अंदर। इस पूरी वीडियो को बनाने में मेरे को रियल लाइफ के 50 घंटों से भी ज्यादा की मेहनत लगी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखोगे। एंड यार प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर से करना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे एक बात बताओ, आप सभी लोगों के लिए मेरे पास वीडियो के अंदर एक सरप्राइज भी है। अरे अरे यार, वो तो आप सभी लोगों को वीडियो के अंदर ही पता चल जाएगा ना भाई। वीडियो देखो, मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था 1 ब्लॉक के ऊपर। एंड अब आने वाले 100 डेज में इसी 1 ब्लॉक के सहारे जिंदा रहने वाला हूँ। खाने की चीजों से लेकर के अपने बेस को बिल्ड करने तक का हर सामान मेरे को यहीं से मिलने वाला है। यहाँ तक कि एंड वर्ल्ड में जाके एंडर ड्रैगन को मारने का रास्ता यानी कि स्ट्रॉन्ग होल्ड भी हमको यहीं से मिल जाएगा। अरे भाई, तुम मानो या ना मानो लेकिन ये हकीकत है भाई। खैर गाइस, मैंने ना अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया एंड जल्द से जल्द जो है ब्लॉक्स को माइन करने का स्टार्ट किया। मेरे को जैसे जैसे ब्लॉक्स मिल रहे थे, मैं अपने बेस को धीरे धीरे करते करते एक्सपेंड कर रहा था। मेरे को जितने भी वुड लॉग मिले थे वो सारे के सारे वुड लॉग की मदद से मैंने स्लैब को क्राफ्ट कर लिया था, जिससे कि मैं बहुत ही जल्द अपने बेस को एक्सपेंड कर सकूं। एंड इसी तरीके से डे 1 के एंड होते होते हमारा बेस काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। एंड हमारे पास काफी सारे नए दोस्त भी आ चुके थे, जिसके अंदर कुछ पिक्स थे, कुछ काउ थे एंड इसके अलावा कुछ चिकन लेग पीस भी थे जो कि आगे जाकर के हमारे पेट में जाने वाले थे। अबे साले, खैर चलो जाने दे यार, ये बात के ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल अगले दिन स्टार्ट हो चुका था हमारा केव का फेस, जिसके अंदर मेरे को मिलने वाला था काफी सारा रॉ आयरन। एंड मेरे को मिला भी था यार। एंड मैंने उसको अपने फर्नेस की मदद से कन्वर्ट करके बना लिए थे आयरन के इंगट। एंड पता है गाइस, सबसे पहले मैंने कौन सी चीज बनाई? मैंने बनाया था शेर, क्योंकि मेरे को चाहिए था अपनी शिप के पास से फूल। सोने के लिए बेड तो चाहिए ना यार, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था यार, हमारे को बोलता ना मिल पाया। लेकिन यार आत्म सुरक्षा के लिए मैंने अपने लिए एक शील्ड बना ली थी, जो कि काफी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पर होने वाली है एक बहुत ही खतरनाक पार्टी। वो भी ऐसी वैसी नहीं भाई, मॉन्स्टर की। वाओ क्या भाई, यहाँ पर मॉन्स्टर पार्टी होने वाली है। एडिटर तेरे को पिटने का क्या? नहीं। अरे नहीं पिटने का तो बेफालतू के मीम मत डाल भाई, आगे से मत डालियो, ठीक है? ओके। अगले दिन भी मैंने माइनिंग करना तो जारी रखा, इस आशा के अंदर कि मेरे को यहाँ से काफी सारा आयरन का इंगट मिल जाए, जिससे कि मैं अपने लिए पूरा का पूरा आयरन का आर्मर बना लो, क्योंकि मेरे को भी अवेंजर के अंदर ज्वाइन करना मांगता है भाई। तो करना। लेकिन सर जी, वो लेने भी तो चाहिए ना, लेते ही नहीं है, क्या करूँ यार। खैर गाइस, मजाक सेट करके अभी फिलहाल इसके बाद जो है मैंने आयरन की तलाश के अंदर माइनिंग करना तो जारी रखा। आयरन तो नहीं मिला, लेकिन बीच में काफी सारे मॉब्स मिल रहे थे, जिनको मारने के चक्कर के अंदर मैंने अपने काफी सारे दोस्तों को निपटा दिया था, बोले तो अपने एनिमल्स को निपटा दिया था यार। एंड अगर थोड़ी देर ऐसा और चल जाता तो ये सारे के सारे भाई निपट जाते और पता भी ना चलता। खैर ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता, क्योंकि अगर ये सारे के सारे मर गए तो यहाँ पर हमारे लिए भी जिंदा रहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। क्या मतलब, मैं इनको खा के जिंदा रहता हूँ? खैर इसके बाद मैंने अपने एनिमल्स के रहने के लिए एक छोटा सा टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ पर अपनी ये जिंदगी खुशी खुशी बिता सकेंगे अगर मिलेगी तो। कुछ टाइम पहले जो मैंने खेती करी थी वो भी पूरी की पूरी ग्रो हो चुकी थी, उसका मैंने हार्वेस्ट किया एंड उसी का लालच देके अपने सारे के सारे एनिमल्स को टेम्पररी प्लेटफॉर्म को लेके आ गया था। एंड गाइस देख रहे हो, गरीबी कितनी ज्यादा है कि टेम्पररी प्लेटफॉर्म का काम भी मैंने 100% कम्प्लीट नहीं किया, क्योंकि यार ये प्लेटफॉर्म को कम्प्लीट करने के लिए मेरे पास सामान ही नहीं है। एंड इससे मेरे को ना बस एक ही मीम याद आ रहा है, मैं गरीब हूँ। अरे यार बिल्कुल एडिटर, यही वाला। खैर गाइस, इसके बाद ना मैंने पूरी की पूरी नाइट स्पेंड कर दी 1 ब्लॉक को माइन करते करते, क्योंकि ये करने के अलावा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। क्या मतलब, मैं रात को सो सकता था। खैर गाइस, पूरी की पूरी नाइट स्पेंड करने के बाद मेरे को अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर रॉ आयरन मिल चुका था। एंड अभी फिलहाल टाइम है इससे अपने लिए पूरा का पूरा आयरन का सेट बनाने का, जिसमें होने वाली आयरन की टोपी, आयरन की चड्डी, आयरन की पैंट। नहीं एक सेकंड रुको, चड्डी और पेंट दोनों सेम ही होती है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अरे अरे कहीं नहीं गया था, बस यहीं पर था, अपनी गली नुक्कड़ के ऊपर वो लाला जी के समोसे की दुकान है ना, बस वहीं पर था। खैर गाइस यार, ये सारी की सारी चीजों को जाने दो, अभी फिलहाल मैं रेडी हूँ पूरा का पूरा आयरन का सेट पहनने के लिए। तो बजाओ यार अपने अवेंजर्स का BGM। क्या मतलब, कॉपीराइट आ जाता है तो रहने दो फिर। खैर गाइस, इसके बाद अपनी सैपलिंग्स को ग्रो करने के लिए मैंने एक छोटा सा टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर मैंने सैपलिंग्स को प्लांट किया। इसके बाद स्केलेटन की हड्डियों का दुरुपयोग करते हुए इस छोटे से नन्हे से सैपलिंग को मैंने बहुत ही जल्दी से एक बहुत ही विशाल का ट्री के अंदर तब्दील कर दिया। एंड या अभी फिलहाल टाइम है अपनी जेब लकड़ियों से भरने का। हाँ सही बोला है भाई मैंने। खैर जाने दो भाई, ये वाली बात को जाने दो। मैंने ना गाइस यार बोन मिल की मदद से ट्री को तो ग्रो कर दिया था, लेकिन उस टाइम को पर मैंने ट्री को कट नहीं किया था। एंड ये मैंने क्यों नहीं किया था, ये तो मेरे को खुद को भी नहीं मालूम यार। पूरी की पूरी नाइट जो है 1 ब्लॉक के ऊपर स्पेंड करने के बाद सुबह मैं पहुंच गया ट्री को कट करने के लिए, लेकिन वो करने से पहले मैंने उसके आसपास जो है कुछ ब्लॉक्स को प्लेस किया भाई। वो इसलिए क्योंकि जो मेरे को सैपलिंग मिलेगा वो नीचे ना चला जाए, क्योंकि गरीबी बहुत है रे बाबा, जितनी ज्यादा सैपलिंग मिल जाए उतना ही ज्यादा अच्छी बात है। ट्री को कट करने के बाद मैंने अगेन सैपलिंग्स को प्लांट किया, के बाद जब मैं 1
ब्लॉक को माइन कर रहा था तब बीच में दो स्केलेटन स्पॉन हुए एंड वो दोनों के दोनों स्केलेटन को भाई पोलर बियर ने क्या ही भगा भगा के मारा है भाई, देख करके काफी ज्यादा मजा आ गया। कुछ ही टाइम में हमारे सैपलिंग्स वापस से ग्रो हो चुके थे एंड मैंने अगेन ट्रीज को कट किया एंड इस बार गाइस मैंने थोड़ी सी ज्यादा ट्री को वापस से रीप्लांट किया था। एंड गाइस हमारे बेस के ऊपर जो गोट भाई इधर उधर फिर रहा था ना, वो गोट को भाई मैंने ट्रैप कर दिया एक जगह के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि कुछ ही टाइम पहले ये गोट ने भाई मेरे वुल्फ को नीचे धक्का मार दिया है एंड पता चला कि अगले दिन भाई इसने हमको ही धक्का मार दिया। खत्म, टाटा गुड बाय, सब एक ही झटके में कंप्लीट हो जाएगा। एंड वो बाबू भैया बोलते हैं ना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। हाँ बिल्कुल यही वाला यार, रिस्क लेने का नहीं अपने को। इसके बाद गाइस मैंने आइस की मदद से अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लिया था क्योंकि कुछ ही टाइम के अंदर हमको पानी की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। खैर गाइस इसके बाद ना मैं माइनिंग करता रहा एंड करता रहा जब तक कि मेरे को अपने ये वाले वर्ल्ड का पहला डायमंड ना मिला। ये रहा हमारा इस वर्ल्ड का पहला डायमंड, तो इसको तो कलेक्ट करते हुए दिखाना बनता है भाई। एंड ये आ चुकी है हमारे पास एक और अचीवमेंट। बाय द वे गाइस हमने जितने भी सैपलिंग्स बोई थी उसके अंदर से कुछ ट्रीज ग्रो हो चुके हैं, तो इसके बाद यार मैंने ये सारे के सारे ट्रीज को कट कर दिया जितने भी ट्रीज ग्रो हुए थे। आई डोंट नो भाई सारी के सारी सैपलिंग के अंदर से ट्रीज ग्रो क्यों नहीं हुए थे। एडिटर भाई तुमको पता है क्या? आई डोंट नो। हां रहने दे भाई, मेरे को पक्का मालूम था कि तेरे को ये नहीं पता होगा। बस ना तू कुछ डालने का कम कर दे भाई। नहीं हाँ भाई तू रहने दे भाई, मैं तेरे से ना ज्यादा बकवास नहीं कर रहा हूँ। तेरी 58 में से 54 तो मैं डायरेक्ट काटूंगा। खैर चलो गाइस यार इसके बात को जाने दो। जैसा कि मैं आप सभी लोगों से बोल ही रहा था कि ट्रीज को कट करने के बाद हमारे पास काफी सारी क्वांटिटी के अंदर वुड लॉग्स इकट्ठा हो चुके हैं। एंड यार अभी फिलहाल टाइम है अपने बेस को प्रॉपर डिजाइन करने का। एंड इसको डिजाइन करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ दो ही तरीके की चीजों का, पहला है स्प्रूस के लॉग एंड दूसरा है ओक के लॉग, क्योंकि ये दोनों चीजों के अलावा मेरे पास ज्यादा कुछ अवेलेबल भी नहीं है भाई। ये गड़बड़ है बाबा। खैर चलो जाने दो गाइस यार, ये दोनों चीजों का यूज करके मैं अपने बेस को एक प्रॉपर लुक देने वाला हूँ। तो ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस वर्ल्ड का पहला टाइम लैप्स शुरू करते हैं, वो भी गाने के साथ भाई। क्या मतलब इसको म्यूजिक बोलते हैं। फाइनली यार अपने बेस का मैंने एक का छोटा सा भाई एरिया 100% बना के रेडी कर दिया है। एंड गाइस यार आप सभी लोगों को ये पहली नजर में देखने के अंदर लग रहा होगा कि इतने सारे रास्ते बनाने की क्या जरूरत पड़ गई भाई, तो वो मैं आप सभी लोगों को अभी एक्सप्लेन करता हूँ भाई। जैसे जैसे ना हम बायोम्स के अंदर से गुजरेंगे वो बायोम के अकॉर्डिंग जो है मॉन्स्टर पार्टीज आएगी एंड वो मॉन्स्टर पार्टी के अंदर वार्डन से लेके इवोकर एंड इसके अलावा भी काफी सारे जो है यहाँ पर मॉब्स स्पॉन हो गए। एंड उनको भाई सही तरीके से निपटाने के लिए और खुद की जान को बचाने के लिए मेरे को भाई भागने की थोड़ी बहुत जगह तो चाहिए थी ना यार। एंड इसके अलावा एक और बात है जो कि वीडियो एंड होते होते आप सभी लोगों को भाई समझ में आ ही जाएगी। इसके बाद अगेन मैंने वन ब्लॉक को माइन करने का स्टार्ट किया। इस दौरान मैंने एक का देसी जुगाड़ यहाँ पर लगाया था जिसकी मदद से मैं मॉब्स को इजीली मार पा रहा था, लेकिन इस वाले देसी जुगाड़ का ना बस एक ही डिसएडवांटेज था एंड वो था मॉन्स्टर पार्टी में ये कोई भी भाई काम नहीं आ रहा था। मॉन्स्टर पार्टी में जो है भाई एक धमाका होता है जिसकी वजह से आसपास के कुछ ब्लॉक्स टूट जाते हैं एंड उसी वजह से जो मॉब्स थे वो बाहर आ जा रहे थे, लेकिन चलो कोई नहीं यार, कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेटर होता है। बाय द वे गाइस मेरे को ना वन ब्लॉक की चेस्ट के अंदर से एक बी का एग मिल गया था। लाइक लिटरली यार इसकी मदद से मैं बी को स्पॉन कर सकता हूँ एंड इसका यहाँ पर क्या काम है ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम। कोबल्ट डिफ्लेट बायोम को माइन करने के बाद अब टाइम आ चुका था मेरे सबसे फेवरेट बायोम को माइन करने का एंड वो थी लश केव बायोम। यहाँ से मेरे को माइनक्राफ्ट के सभी तरीके के एक्सोलोटल मिलने वाले थे एंड इसके अलावा बढ़िया बढ़िया तरीके के फ्लावर्स भी मिलने वाले थे, तो मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं करी भाई, लगे हाथों इस पूरी की पूरी बायोम का सफा सेट कर दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम लैप्स के अंदर। तो गाइस लश केव के बायोम को तो यार मैंने एक ही सिंगल टाइम लैप्स के अंदर भाई खत्म कर दिया। एंड इसके बाद गाइस आ चुका था फाइनली अपना ओशन वाला फेस जिसके अंदर से हमको ओशन के ब्लॉक्स मिलने वाले थे एंड हाँ यहाँ पर एल्डर गार्डियन तक आ जाएगा भाई, तो इसको तो अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर भाई होल्ड रखने वाला हूँ। मगर क्यों? अरे यार वो इसलिए क्योंकि इससे पहले ना मेरे को बनाने का है एक एक्सपी फार्म एंड उसको बनाने की जगह मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ जो कि बनने वाला है एग्जैक्ट इस वाली जगह के ऊपर। एंड इसको बनाने के लिए मटेरियल्स भी हमारे पास सारा का सारा अवेलेबल है। हाँ वुड के अलावा और क्या ही चाहिए भाई, तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए इसको बना के खत्म करते हैं।
तो गाइस कुछ ही टाइम की मेहनत करने के बाद हमारा छोटा सा प्यारा सा एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका है एंड ये काफी ज्यादा मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। इसको मैंने जस्ट बोन मिल के लिए एंड गन पाउडर को कलेक्ट करने के लिए बनाया है। बाय द वे गाइस मेरे को अपनी काउ को रखने के लिए एक छोटा सा बर्न हाउस भी बनाना है, लेकिन उसको बनाने के लिए मेरे को रेड टेराकोटास एंड रेड कॉन्क्रीट पाउडर चाहिए, जो कि मेरे को मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ वन ब्लॉक के ऊपर बैट लैंड के बायोम के अंदर। एंड उसको लाने के लिए मेरे को ये ओसन वाले बायोम को सबसे पहले तो खत्म करना पड़ेगा यार। लेकिन भाई ये चीज को तो हम जब करेंगे तब करेंगे, अभी फिलहाल ना मेरे को एक चीज तो 100% कम्प्लीट करनी है एंड वो है अपने लिए एक पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर बनाना, क्योंकि माइनिंग करते करते तो यार काफी ज्यादा समय गुजर चुका है एंड उससे मेरे को काफी सारे क्वांटिटी के अंदर डायमंड भी मिल चुके हैं, जो कि इनफ है एक पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर एंड सारे के सारे टूल्स को क्राफ्ट करने के लिए। तो करना क्या था यार, मैंने अपने लिए पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर बनाया एंड इसके अलावा अपने लिए डायमंड का टूल्स बनाया एंड या अभी मैं रेडी था अगेन वन ब्लॉक को माइनिंग करने के लिए। ओशन बायोम के वन ब्लॉक को माइनिंग करते करते कुछ ही टाइम बीता था कि हमारे सामने चैट में लिखा हुआ आ चुका था कि मॉन्स्टर पार्टी स्टार्ट होने वाली है। तो करना क्या था यार, हम भी रेडी हो चुके थे एंड ओशन वाले बायोम के अंदर मॉन्स्टर पार्टी के अंदर आए थे हमारे से मिलने के लिए गार्डियंस, एल्डर गार्डियन एंड इसके अलावा कुछ ट्राइडेंट वाले बंदे एंड ये सारे के सारे बंदों को भाई मैंने लिटरली भगा भगा के मारा है। क्या मतलब अभी मैं भी भाग रहा हूँ, ये मेरा स्टाइल है यार। चल चूटा। खैर गाइस इसके बाद जो है कुछ ही देर के माइनिंग करने के बाद ओशन वाले बायोम का फेस भी जो है खत्म हो चुका था एंड या अब फाइनली हम पहुंच चुके थे बैडलैंड्स बायोम के अंदर। एंड अभी फिलहाल गाइस मेरे को यहाँ से वो सारी चीजें मिलने वाली है जिसकी मेरे को जरूरत है अपने बर्न हाउस को क्राफ्ट करने के लिए, बनाने के लिए समझा करो। खैर तो यार इसके बाद जो है मैंने काफी सारा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स को कलेक्ट करने के लिए, जैसा कि आप सभी लोग ये वाले टाइम लैप्स के अंदर देख ही सकते हो। एंड गाइस इसी बीच मेरे को बहुत ही बढ़िया और जिंदा चीज मिली थी जिसका नाम है यार विलेजर, और गाइस ये वाले विलेजर का नाम था नॉर्मन। एंड अभी फिलहाल मेरे को नॉर्मन की रक्षा बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर इसके बाद जो है कुछ ही टाइम के बाद मेरे को अगेन एक और विलेजर मिला जिसका नाम था एरिक। मैंने एरिक को नॉर्मन से मिलवाया एंड अभी फिलहाल ये दोनों के दोनों भाई खुशी खुशी रहने वाले हैं। बात करें हमारी अरे अरे उसकी बात नहीं कर रहा भाई, मैं माइनक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। तो बात करें हमारी तो हमारे को जो भी मटेरियल चाहिए था वो सारा का सारा मटेरियल मैंने इकट्ठा कर लिया है अपने काऊ के बर्न हाउस को बनाने के लिए। एंड या अभी फिलहाल ज्यादा देरी नहीं करते हैं भाई, जल्दी से काऊ के बर्न हाउस को बना के रेडी करते हैं। तो फाइनली गाइस यार हमारा छोटा सा प्यारा सा बर्न हाउस पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है एंड पता नहीं गाइस यार ये नॉर्मन क्यों अंदर जाना चाह रहा है। आई थिंक भाई मेरे को लगता है कि अंदर मैंने जो एनविल रखा है ना उसकी वजह से यार इसको जॉब चाहिए एंड वो तो मिलने से रहे भाई। बाकी गाइस यार जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हो कि अंदर से देखने के अंदर कुछ इस तरीके का है, काफी ज्यादा भाई बढ़िया लग रहा है। एंड यहाँ पर दो दरवाजे है जो कि भाई इधर की तरफ खुलते हैं एंड ये बाहर की तरफ से कुछ इस तरीके का लुक देता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। एंड गाइस इसके बाद देखते ही देखते मैंने बैडलैंड्स बायोम के वन ब्लॉक कभी माइनिंग करने का स्टार्ट किया एंड देखते देखते भाई ये खत्म भी हो चुका था यार। लेकिन उससे पहले हमको एक मॉन्स्टर पार्टी का सामना करना था जिसके अंदर कुछ गिने चुने ज़ॉम्बी स्पॉन हुए थे एंड इसके अलावा कुछ नल्ले पिलेजर के बंदे भी आए थे, उनको मैंने आसानी से ट्रैप करके भाई मार दिया था एंड उनको मारने के अंदर काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था लेकिन आ रहा था यार। एंड गाइस यार ये वाले बायोम के दौरान भी मेरे को दो नए और विलेजर मिले थे जिसमें से एक था जस्टिन और दूसरा था केविन। केविन और जस्टिन नॉर्मन एंड एरिक की तरह दोस्त बन चुके थे जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात थी यार। हमारे पूरे के पूरे बेस के अंदर टोटल चार चार विलेजर आ चुके हैं। अभी फिलहाल गाइस मैं आप सभी लोगों को एक और मस्त चीज बताता हूँ, मैं ना यहाँ पर बेसिकली भाई एक बहुत ही बढ़िया सी चीजें बनाने वाला हूँ एंड वो टोटल भाई तीन चीजें होने वाली है। मेरा प्लान तो कुछ इसी तरीके का है, अब लेट्स सी देखते हैं कि उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो कैसा बनता है। सूरज बिल्कुल मस्त भाई उग रहा है एंड इसी के साथ मैं इस वाले काम की शुरुआत करने वाला हूँ। तो ज्यादा देरी ना करते हुए एडिटर भैया टाइम लैप्स लगाओ यार। किधर गया भाई ये, तुम लोगों ने गत्ते छुपा दिए थे ना। हाँ और नमक की थैली। A few minutes later. और
ऑल राइट गाइस यार, तो बड़ी मुश्किल से यार टाइमलेस पूरा करवाया है भाई। बताओ जी, नमक चाट के नशे करता है हमारा बंदा। खैर गाइस यार, ये बात को साइड में रखो, आप सभी लोग मेरे को एक बात बताओ कि आपको ये पॉन्ड देखने के अंदर कैसा लग रहा है? मेरे को तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है भाई। एंड इसके अंदर मैंने अपने सारे के सारे एक्सोलोटल्स को डाल दिया है एंड अपने दोनों के दोनों टर्टल्स को भी यहाँ पर मैं लेके आ गया हूँ। बाय द वे गाइस, यहाँ पर सामने की तरफ ना मैं एक छोटा सा काऊ का बांध बनाऊंगा एंड यहाँ पर इस वाली तरफ मैं बनाने वाला हूँ एक छोटा सा स्टोरेज रूम। एंड ये पूरा का पूरा एरिया ना काफी ज्यादा मस्त लगेगा जब मैं इसको 100% बना के रेडी कर दूंगा। आई थिंक आप सभी लोगों ने भाई थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा। तो गाइस, अभी तक मैंने अपने बेस के ऊपर जितनी भी चीजें बनाई है उस चीजों को बनाने में यार मैक्सिमम वुड का तो यूज 100% हुआ ही है। एंड इसी वजह से हमारे पास जितनी भी वुड थी वो सारी के सारी वुड ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और अभी फिलहाल मेरे को अगेन वुड को कलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं वन ब्लॉक से बिल्कुल भी नहीं करना चाहता यार। इसीलिए अभी फिलहाल मैं बनाने वाला हूँ अपने बेस के ऊपर एक मैनुअल वुड का फार्म, जिसकी वजह से मैं इजीली वुड को कलेक्ट कर सकूंगा एंड उसको मैं बनाने वाला हूँ एग्जैक्ट इस वाले लोकेशन के ऊपर। ये यहाँ पर देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा। तो यार ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, जल्दी से वुड के फार्म को बना के रेडी करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली यार हमारा वुड का फार्म भी बन चुका है। ये इसका ऊपर जाने का रास्ता है। वैसे तो यार मेरे को नीचे की तरफ सॉल सैंड लगाना चाहिए था, लेकिन है ही नहीं तो भाई कैसे लगाओ। खैर चलो जाने दो गाइस, अभी फिलहाल बेसिकली हमारा ट्री का फार्म जो है यूज करने के लिए पूरा रेडी हो चुका है। रात काफी ज्यादा हो रही है, मैंने जो है कुछ सैपलिंग्स को जो है प्लांट कर दिया है जो कि धीरे धीरे करते करते ग्रो हो रही है। तो अभी मस्त जाके भाई सोते हैं, अगले दिन ट्री के फार्म को मेरे को यूज करना है एंड इससे काफी सारी जो है मेरे को वुड को कलेक्ट करना है, क्योंकि आने वाली चीजों को बनाने में बहुत सारी वुड की जरूरत पड़ने वाली है। खत्म हो गया भैया मैटर। तो फाइनली यार वुड को कलेक्ट करने का तो काम खत्म हो चुका है, बाकी पीछे बैकग्राउंड क्या ही जबरदस्त आ रहा है भाई। मेरे को ये वाले सेडर्स भाई सबसे ज्यादा बढ़िया लगते हैं। नया वर्ल्ड है इसीलिए भाई मैं सेडर्स के अंदर खेल पा रहा हूँ, वरना तो जंगल वाले वर्ल्ड के अंदर तो भाई भूल ही जाओ यार। एनीवेज गाइस, अभी फिलहाल ना जो मैंने एक दो यहाँ पर ग्रास के ब्लॉक लगाए थे ना, वो भी अच्छे खासे ग्रो हो चुके हैं। ये ग्रास के ब्लॉक ने मेरे को डायरेक्टली चेस्ट के अंदर से मिले थे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, ग्रास के ब्लॉक को हम ऐसे नॉर्मली भाई माइन नहीं कर सकते, उसके लिए हमको सिल टच वाला कोई भी टूल चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास नहीं था। लेकिन हाँ, मेरे को चेस्ट के अंदर से मिल गए थे, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया बात हो गई थी भाई। एंड या अभी फिलहाल हमारे पास ना भाई इनफ क्वांटिटी के अंदर वुड भी इकट्ठा हो चुकी है, तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, जल्दी से अपने काऊ के बांध को बनाने की शुरुआत करते हैं। खत्म हो गया भैया मैटर। तो गाइस फाइनली हमारा छोटा सा प्यारा सा बांध भी बन के रेडी हो चुका है। इसको बनाने में तो यार इतना ज्यादा टाइम नहीं गया, लेकिन जो मेरे काऊ को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा था ना, उसके अंदर भाई काफी ज्यादा समय चला गया, क्योंकि बार बार जो है पीछे एक दो काऊ छूटे जा रहा था एंड उसको अगेन मेरे को लेके आना पड़ा था, जिसमें थोड़ा सा यार टाइम एक्स्ट्रा चला गया। लेकिन चलो कोई ना यार। बाय द वे गाइस, अभी भी फिलहाल सच बताओ ना, तो मेरे को पीछे जो बांध मैंने बनाया है उसके करता मेरे को ये वाला पॉन्ड अभी भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों का क्या मानना है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मेरे को तो भाई ये वाला पॉन्ड ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड गाइस, अभी फिलहाल ना मेरे को यहाँ पर एक पैरट भी मिला था, जिसको टेम करने की मैं थोड़ी देर पहले तो कोशिश कर रहा था, लेकिन ये टेम नहीं हो रहा था। लेकिन अभी फिलहाल यार ये टेम हो चुका था। तो यार ये हमारा एक नया दोस्त है इस वाले वर्ल्ड का। तो गाइस, अभी फिलहाल हमारे ये वाले एरिया के ऊपर मैंने दो चीजें तो बना दी है एंड या अभी फिलहाल टाइम है तीसरी चीज बनाने का, जो कि होने वाला है एक स्टोरेज रूम। एंड उसको मैं बनाने वाला हूँ ऑफ कोर्स यार अपने इस वाले लोकेशन के ऊपर, इसी वजह से तो मैंने ये जगह को छोड़ा हुआ है। बाकी गाइस, अभी फिलहाल मैंने अपने नए दोस्त को यहाँ पर पीछे की तरफ बिठा के रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मॉन्स्टर पार्टी की वजह से यार ये वहाँ पर बैठ करके तंदूरी फ्राई बन जाए। खैर गाइस यार, ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इसको सेफ लोकेशन के ऊपर लेके आ गया हूँ। एंड या अभी फिलहाल ज्यादा देरी नहीं करते हैं, जल्दी से अपने स्टोरेज रूम का भी बना के खत्म करते हैं। होय, क्या ही जबरदस्त लग रहा है भाई माहौल। कतई सूरज डूबने को है एंड हमारा काम भी जो है खत्म हो चुका है। बाकी मैं आप सभी लोगों को अपना स्टोरेज रूम अंदर से दिखाऊं तो ये देखने के अंदर कुछ इस तरीके का है। काफी सारे अंदर मैंने बैरल्स एंड चेस्ट रखी हुई है, जिसके अंदर मैं सामान को स्टोर करने वाला हूँ। ऊपर से ये देखने के अंदर कुछ इस तरीके का है, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बैरल्स मैंने रखे हुए हैं एंड नीचे की तरफ मैंने कुछ फर्नेस भी रखाए हुए हैं, जिससे कि मेरे को अगर कोई भी सामान को मेल्ट करना होगा तो मैं उसको यहाँ पर आकर के मेल्ट कर सकूंगा। एंड दैट्स इट, बस इसके अंदर इतना है भाई। एंड मेरे को नहीं लगता कि कोई भी स्टोरेज रूम के अंदर इसके अलावा कोई और चीजें होने की जरूरत है। बाकी थोड़ा बहुत डेकोरेशन और बचा हुआ है, जिसको मैं बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर देने वाला हूं। एंड या अभी फिलहाल गाइस हमारा चल रहा
हुआ है मैंग्रोव बायोम वाला फेस, जिसको मेरे को बहुत ही जल्दी कम्प्लीट करना है। एंड या ये वाले फेस के अंदर हमको जो है काफी सारी जो है मस्त मस्त चीजें मिलने वाली है, जैसे कि फ्रॉक्स मिलने वाले हैं। एंड इसके अलावा सबसे जरूरी चीजों में से एक स्लाइम भी मिलने वाला है। अब स्लाइम इसलिए जरूरी है क्योंकि स्लाइम से हम बना सकते हैं स्टिकी पिस्टन, जो कि रेस्टोन कंपोनेंट्स में से सबसे मस्त कंपोनेंट्स है भाई। एंड रेस्टोन के बिल्ड को बनाने में हमका इसका काफी ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो यार चलिए जल्दी से इस वाले फेस को खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद आने वाला है नेदर का फेस। तो गाइस मैंग्रोव बायोम के फेस को खत्म करने के बाद हम पहुंच चुके थे नेदर के फेस के अंदर। एंड ये देखो भाई, इनको झूले खाते हुए कतई मजा आ रहा है। एंड मेरे को भाई ये थोड़े से अनोइंग भी लग रहा है। मैंने गाइस पिछले जितने भी फेसेस गुजरे थे वो सारे के सारे फेसेस को आसानी से भाई कंप्लीट कर दिया था बिल्कुल खेलते खेलते, लेकिन अब आ चुका था नेदर का फेस। एंड सच बताऊं तो मेरे को लग रहा था अभी तक कि ये फेस भी भाई पिछले वाले फेसेस की तरह ही होगा, लेकिन मैं गलत था यार। मैंने वन ब्लॉक को माइनिंग करने का स्टार्ट करा जैसे ही भाई मैं पिछले वाले फेसेस के अंदर करा था, बट अब की बार जो है एक का प्रॉब्लम थी, मेरे इन्वेंटरी के अंदर वो नहीं था। एंड मैं नेदर के फेस के अंदर माइनिंग करते जा रहा था एंड मेरे को एंशिएंट डेब्रिस तक के ब्लॉक मिल रहे थे। मैं काफी ज्यादा खुश था जब तक कि मॉन्स्टर पार्टी ना हुई। जैसे ही गाइस मॉन्स्टर पार्टी हुई, मैंने अपनी इन्वेंटरी के अंदर बो को चेक किया, लेकिन वो था ही नहीं भाई। मैंने जब तक चेस्ट के अंदर से बो को निकाला तब तक देर काफी ज्यादा हो चुकी थी। घास ने हमारे पूरे के पूरे बेस को ऊपर हमला करने का स्टार्ट कर दिया था। एंड प्लेस ने भी जलाने का स्टार्ट कर दिया था। मेरा पूरा का पूरा बेस जो है ऑलमोस्ट वुड का बना हुआ है, तो उसने आग पकड़ने के अंदर भी बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। एंड या मैं खड़े खड़े बस सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहा था। मैंने घास के अटैक को रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं उसको रिफ्लेक्ट करने के अंदर असफल हो जाता तो भाई हम सीधा वॉइड के अंदर गिर जाते हैं एंड हमारा काम यहीं पर खत्म हो जाता। खैर गया, जैसे ना तैसे करते करते मैंने इस वाले मॉन्स्टर पार्टी को संभाला। मैंने सभी के सभी जॉम्बीज को मार दिया था, लेकिन हमारा पूरा का पूरा बेस इस टाइम के ऊपर भाई जल रहा था। मैंने उसको बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन कुछ ना हो पाया भाई। हमारा मिडल का जितना भी पूरा का पूरा एरिया था, जिसको मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत से बनाया था, वो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुका था। अभी तक मैंने जितने भी मेहनत करके चीज़ों को कलेक्ट किया था एंड अपने बेस को बनाया था, वो सारी की सारी मेहनत पानी में जाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे यार, गलती मेरी थी। मेरे को इन्वेंटरी के अंदर अपनी बो का रखना चाहिए था। अगर सही टाइम के ऊपर मेरे पास बो होता तो मैं घास को ऊपर जाने ही ना देता, एंड ये होता ही नहीं। लेकिन चलो कोई ना यार, मैंने जो है हिम्मत जुटाई एंड अगेन अपने बेस को बिल्ड करने का स्टार्ट किया। A few minutes later, कुछ ही टाइम के मेहनत करने के बाद हमारा बेस तो पहले की तरह ही बिल्कुल डिट्टो हो चुका था। जैसा ये पहला था मैंने सेम टू सेम इसको पहले की तरह ही बनाया था। लेकिन अब सच बताऊं तो यार मेरे को वन ब्लॉक के माइनिंग करते हुए वो पहले जैसा मजा नहीं आ रहा यार। थोड़ा सा मन में डर है कि अब वापस से अगर घास या फिर ब्लेस स्पॉन हो गए तो हमारा बेस का भाई क्या हाल होगा। खैर तो यार इसी वजह से जो है मैंने किसी और चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान लगाने की कोशिश करी एंड सोचा कि मेरे काऊ को खिलाने के लिए तो मेरे पास वीट है ही नहीं। एंड तभी मेरे को ख्याल आया, क्यों ना यार मेरे को वीट का फार्म बना लेना चाहिए। मैंने सामान को कलेक्ट किया एंड या अभी जल्दी से अपने वीट का फार्म को बनाने की शुरुआत करते हैं। फाइनली गाइस अपने बेस के अंदर मैंने दो छोटे छोटे वीट के फार्म भी बना दिए हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। एंड गाइस राइट हैंड साइड के ऊपर आप सभी लोगों को जो दो भाई छोटे छोटे हाउस दिख रहे हैं ना, उसका टाइम लैप्स आप सभी लोगों को मैं नहीं दिखा पाया, वो इसलिए क्योंकि उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया था। खैर उसके लिए सॉरी भाई। बाय द वे मैं आप सभी लोगों को ना इसको अंदर से एक्सप्लोर करवा देता हूँ कि अंदर से देखने के अंदर किस तरीके का है। तो ये चलते हैं हम इसके अंदर। एंड इसका फर्स्ट फ्लोर का इंटीरियर कुछ इस तरीके का है। हाउस वैसे तो भाई काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन हाँ देखने में काफी ज्यादा मस्त लगता है भाई। एंड इसका सेकंड फ्लोर कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर एक बेड रखा हुआ है जिसके ऊपर हम सोना तो चाहते हैं, लेकिन अभी सो नहीं सकते क्योंकि रात ही नहीं हो रही भाई, क्या ही कर सकते हैं। खैर गाइस यार आप सभी लोगों को ना वैसे ये वाला हाउस थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा होगा। दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर डालो एंड सोचने की कोशिश करो कि ये वाला हाउस मैंने किधर बनाया था। देखते हैं भाई कितने बंदों को भाई इस चीज का ख्याल है। बाय द वे गाइस हमारी जो सीड्स है ना वो भी अच्छी खासी भाई ग्रो हो चुकी है। जब ये पूरी की पूरी ग्रो हो जाएगी तब और भी ज्यादा देखने के अंदर अच्छी लगेगी। खैर गाइस इसके बाद हिम्मत जुटा के जो है मैंने अगेन वन ब्लॉक को माइनिंग करने का स्टार्ट किया, लेकिन इस बार मैं पूरी तरीके से प्रिपेयर था। जैसे ही घास स्पॉन हो रही थी मैं उसको निपटा दे रहा था भाई, क्योंकि मेरे को कतई रिस्क लेने का नहीं है यार। लास्ट में जो मेरे को चेस्ट मिली थी उसके अंदर भाई मैं देख करके काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि इसके अंदर भाई हमारे लिए एक नेदरराइट का स्क्रैप था, एक नेदरराइट का इंगट था,
दो दो विदर्स के स्कूल थे एंड इसके अलावा एक एंचेंटेड गोल्डन एप्पल था भाई, तो और क्या ही चाहिए यार, एक ही चेस्ट के अंदर से इतनी सारी की सारी चीजें मिल गई। खैर गाइस यार, नेदर के बायोम के साथ ना मेरे काफी ज्यादा बैड इंसिडेंट्स जुड़े हुए थे, लेकिन लास्ट में ये चीज देख करके ना भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुई। एंड या इसी तरीके से मैंने नेदर के फेस को भी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। नेदर बायोम को कंप्लीट करने के बाद मेरे को लग रहा था कि अब एंड वर्ल्ड का बायोम आने वाला है एंड आराम से एंडर ड्रैगन को मारेंगे और चिल करेंगे भाई, लेकिन मैं गलत था यार। नेदर के फेस को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर एक अलग ही तरीके का बायोम आ चुका था। एंड या ये वाला बायोम भी पिछले वाले नेदर के बायोम की तरह ही काफी ज्यादा खतरनाक था। बस फर्क इतना था कि नेदर का बायोम हमारे बेस के लिए हानिकारक साबित हुआ था एंड ये हमारे लिए होने वाला था, क्योंकि इसके अंदर स्पॉन हो रहे थे इवोकर्स। अब यार इवोकर्स से तो हमको बिल्कुल भी खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्रैप लगाए हुए हैं, वो बाहर निकल ही नहीं सकते, लेकिन वो जो वैक्स को स्पॉन करते हैं ना भाई, वो हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक थे। ये गाइस लिटरली वॉल के आर पार आके अपने ऊपर अटैक कर सकते हैं। मेरी हेल्थ ऑलरेडी काफी ज्यादा डाउन थी एंड ऐसे में ये मेरे को बार बार अटैक करते जा रहे थे। मैं धीरे धीरे करते करते अपनी हेल्थ को रिकवर कर रहा था एंड इनको एक एक करते करते भाई मार रहा था। बस जैसे ना तैसे करते करते गाइस मैंने यहाँ पर सर्वाइव किया है। यहाँ पर गाइस मैं लिटरली मरते मरते बचा था। इस टाइम के ऊपर मेरे पास एक भी टोटेम ऑफ अंडाइम नहीं था और ना ही मेरे पास शील्ड बची थी भाई, क्योंकि वो टूट चुकी थी जंग में लड़ते लड़ते यार। लेकिन जैसे ना तैसे करते करते बस यार मैंने मोर्चा संभाला, इन सभी को निपटाया, अगेन वन ब्लॉक को माइन किया एंड इसी तरीके से अगेन इवोकर स्पॉन हुए। मैंने उनको फिर से मारा, मॉन्स्टर पार्टी आई, उस मॉन्स्टर पार्टी को खत्म करा एंड या देखते ही देखते हमारा ये वाला फेस भी जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। लास्ट वाली चेस्ट के अंदर से मेरे को यहाँ से भी एक और एंचेंटेड गोल्डन एप्पल मिला था एंड इसके अलावा ये पूरे के पूरे फेस के अंदर से मेरे को टोटल गिन के 9 टोटेम ऑफ अंडाइम मिले थे, जिसमें से पिछले 10 मिनट के अंदर मैं 4 टोटेम ऑफ अंडाइम को यूज भी कर चुका हूँ भाई। अगर आप सभी लोगों ने टाइम लैप्स को ध्यान से देखा होगा तो आपका टोटेम ऑफ अंडाइम यूज होते हुए भी नजर आए होंगे, शायद से या फिर नहीं आए होंगे, क्योंकि टाइमलेस भाई बहुत ही ज्यादा तेजी से चलता है, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास कर लो यार। और गाइस इसके बाद फाइनली वो फेस आ चुका था जिसका अभी तक हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एंड वर्ल्ड का फेस। एंड इसके बाद जो है अब हमको आई थिंक स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिल सकता है, मेरा ये अंदाजा है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। मैंने जो है अगेन वन ब्लॉक को माइनिंग करने का स्टार्ट किया एंड अब मैं बिल्कुल ठान के बैठा था कि अब जब तक मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं मिलने वाला तब तक मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला हूँ भाई। एंड देखते ही देखते भाई मैं माइन करता रहा हाँ बस इतना ही कर रहा था। उसके बाद जो है हमको फाइनली मिल चुका था स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड या अब हम रेडी थे एंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए, लेकिन थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते ना यार पहले। तो प्रिपरेशन के अंदर गाइस मेरे को ज्यादा तो कुछ नहीं करना था, बस बहुत सारी चीजें करनी थी। अबे साले खैर गाइस मेरे को जितने भी एंसेंट डेब्रिस मिले थे वो सारे के सारे एंसेंट डेब्रिस को मैंने मेल्ट करने के लिए फर्नेस के अंदर डाल दिया था एंड इसके अलावा मेरे पास रो गोल्ड था उसको भी मैंने फर्नेस के अंदर डाल दिया था, जिससे कि मेरे को गोल्ड के इंगट मिल जाए। देन इसके अलावा मेरे पास जितने भी एक्सपी की बोटल्स पड़ी हुई थी वो सारे के सारे एक्सपी की बोटल से मैंने एक्सपी को कलेक्ट किया। एंसेंट डेब्रिस मेल्ट होकर के नेदरराइट के स्क्रैप बन चुके थे, उनको मैंने कलेक्ट किया एंड उनको गोल्ड के नगट के अंदर मिलाने के बाद हमको मिल चुके थे नेदरराइट के इंगट। एंड या इसके बाद मैं गया अगेन अपने बेस को ऊपर एंड वहां से क्राफ्ट करके लेके आया एक पूरा का पूरा नया वाला डायमंड का आर्मर, क्योंकि मेरा डायमंड का हेलमेट भाई ऑलरेडी टूट चुका था, अगर आप सभी लोगों ने टाइम लैप्स के अंदर देखा होगा तो। खैर इसके बाद जो मैंने अपने पूरे के पूरे डायमंड के आर्मर को कन्वर्ट किया नेदरराइट के अंदर, हालांकि हमारे पास एक और नेदरराइट का इंगट बच रहा था, लेकिन उस टाइम के ऊपर कोई याद दिलाने वाला नहीं था ना यार। खैर इसके बाद गाइस मैंने जो है अपने आर्मर को एंड अपने टूल्स को थोड़ा बहुत एंजॉयड किया, क्योंकि मैं जैसा कि हर बार बोलता हूँ कुछ ना होने से कुछ होना बेटर होता है। सारी के सारी प्रिपरेशन करने के बाद मैं रेडी था एंड वर्ल्ड में जाके एंडर ड्रैगन की बैंड बजाने के लिए। मैंने अपने बेस को लास्ट टाइम देखा क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि अब मैं वापस आने वाला हूँ या फिर नहीं आने वाला हूँ। पता चला कि मेरी हड्डी बोटी वापस आएगी, लेकिन एक सेकंड रुको, अगर एंडर ड्रैगन ने मेरे को मार दिया तो मेरी आत्मा वापस आएगी ना। खैर चलो जाने दो गाइस जॉक सपाट। मैंने चारों की चारों आई ऑफ एंडर लगा करके पोर्टल को एक्टिवेट किया एंड या जंप लगा दी एंड वर्ल्ड के अंदर एंड हम पहुंच चुके थे एंडर ड्रैगन की दुनिया के अंदर। एंड अब देखो ये तमाशा।
गाइस जब मैं एंडर ड्रैगन को निपटता हुआ देख रहा था ना, तब सच बताऊं तो मन तो कर रहा था कि एक एंचेंटेड गोल्डन एप्पल खा लूं भाई, कतई फीलिंग आ जाएगी। लेकिन फिर सोचा चलो रहने देते भाई, कभी बुरे वक्त में काम आ जाएगा। खैर इसके बाद गाइस मैंने एक्सपी को कलेक्ट किया एंड इसके अलावा एंडर ड्रैगन के एग को भी कलेक्ट किया। देन इसके बाद निकल गए आउटर आइसलैंड के अंदर। तुमको क्या लगा था मैं यहाँ पर एंडर ड्रैगन को मारने आया हूँ? ना मुन्ना ना, हम यहाँ पर आए इलेक्ट्रा को लेने के लिए। आउटर आइसलैंड में कई मीलों का सफर तय करने के बाद मेरे को एक एंड सिटी नजर आई, जिसके अंदर सिपाहियों से लड़ते लड़ते मैं ऊपर तक पहुंचा। देन इसके बाद एंडर पर्ल के ट्रिक का यूज करके मैं पहुंच चुका था शिप के अंदर। एंड या अभी फिलहाल टाइम है लास्ट सर्कल सेल को मार के इलाइट्रा को हासिल करने का रे बाबा। एंड सिटी से कुछ गिने चुने लूट को कलेक्ट करने के बाद मैं अगेन पहुंचा अपने बेस के ऊपर, क्योंकि अभी हमारा एंड वर्ल्ड का तो काम खत्म हो चुका था लेकिन बेस का काम अभी भी बाकी था भाई। यहाँ पर आने के बाद जो है सबसे पहले तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को बनाना है अब अपने लिए एक बहुत ही बड़े साइज का कासल। एंड उसको बनाने के लिए मेरे को चाहिए थे बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर कोबलस्टोन, जिससे कि मेरे को बनाने थे स्टोन ब्रिक। लेकिन यार यहाँ से मेरे को कोबलस्टोन बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर मिलता है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना अपने लिए एक कोबलस्टोन का जनरेटर ही बना लिया जाए। तो यार मैंने जो है एक छोटा सा कोबलस्टोन का जनरेटर बनाया, जो कि था तो मैनुअल लेकिन इसका प्रोडक्शन रेट काफी ज्यादा बढ़िया था। एंड गाइस ये देखने के अंदर कुछ इस तरीके का है। ये कोबलस्टोन का जनरेटर को बनाने में तो ज्यादा मटेरियल्स का यूज नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका प्रोडक्शन रेट काफी ज्यादा बढ़िया है एंड इसको यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। बाय द वे ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है भाई? ओह माय गॉड, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। खैर गाइस यार मजाक साइड करके, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 70% बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए जरूर से कर देना। एंड गाइस इसके बाद जो है मैंने पर काफी ज्यादा टाइम तक जो है कोबलस्टोन को माइन किया एंड ये सारे के सारे कोबलस्टोन को मैंने मेल्ट किया स्टोन के अंदर, जिनसे कि मैं क्राफ्ट कर सकूं स्टोन ब्रिक्स यार। एंड गाइस इसी तरीके से सारा मटेरियल्स कलेक्ट करने के बाद मैं रेडी था अपने कैसल को बनाने के लिए। इसका लोकेशन मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ भाई, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाला है, इतना मेरे को खुद के ऊपर विश्वास है यार। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए टाइम लैप्स को शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हो, हमने हमारा कैसल भी बना दिया है, जो कि काफी ज्यादा भाई बढ़िया लग रहा है मेरे को। तो आप सभी लोगों को कैसा लगा ये मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। ये बाहर से देखने में तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अंदर से भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको अंदर से बनाया ही नहीं है यार, क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम ही नहीं बचा था। लेकिन फिर भी यार ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। मैंने यहाँ पर एक दो ग्रास के ब्लॉक लगा दिए, जो कि बहुत ही जल्दी पूरे के अंदर फैल जाएगी।